खगड़िया जिले से शर्मसार करने वाली खबर सामने आई है। मामला जिले के परबत्ता प्रखंड अंतर्गत खजुरैठा पंचायत के नोनिया चक मथुरापुर का है, जहां परिजनों ने 7 वर्षीय मासूम को मात्र चंद रुपयों के लालच में एक 45 वर्षीय अधेड़ से जबरन शादी करा दी। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बच्ची के परिजनों को हिरासत में ले लिया और साथ ही बच्ची को भी मुक्त करा लिया गया है। वहीं लड़के पक्ष के सभी लोग फरार बताए जा रहे हैं। तो खगड़िया में लोमहर्षक मामला सामने आया है, जहां एक बच्ची की शादी करा दी गई एक अधेड़ से। आप तस्वीरें देख सकते हैं, उस अधेड़ की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। साथ में आपको बता दें कि पहले तो परिजनों ने आरोप लगाया कि जबरन शादी कराई दी गई इस बच्ची के, लेकिन जब पुलिस ने पूरे मामले का अनुसंधान किया, जाँच पड़ताल की गहनता से, तब मामले का खुलासा हुआ कि परिजनों की मिली भगत से इस मासूम की शादी चंद पैसों के खातिर इस अधेड़ से करा दी गई। हालांकि पुलिस ने मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए बच्ची के माँ पिता को हिरासत में ले लिया और बच्ची को इन लोगों के हाथ से चंगुल से मुक्त करा लिया है। और हालांकि लड़के पक्ष के सभी लोग इस मामले पर फरार बताए जा रहे हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए राजीव है फोन लाइन पर। राजीव, पूरे घटना की जानकारी चाहेंगे आपसे। जी मंजूर, बताएं कि ये घटना जो है परबत्ता थाना के खजरेठा पंचायत की है, जहां पे बाल विवाह जो है हुआ है, जिसमें कि एक 45 वर्षीय अधेड़ की शादी जो एक 7 वर्ष के बच्ची के साथ हुआ है। जी, फिलहाल इस मामले में जो है पुलिस के तरफ से लड़की के माता पिता की गिरफ्तारी की है और इस मामले में 5 के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। एक दुविधा ये है कि इस मामले में पहले बताया जा रहा था कि परिजनों ने आरोप लगाया है लड़के पक्ष के रिश्तेदारों पर कि जबरन बच्ची को अगवा कर लिया गया शिवरात्रि के मेला दिखाने के बहाने, लेकिन जब अनुसंधान किया गया है तो ये मामला सामने आ रहा है कि परिजनों की मिली भगत है। इस मामले को हम स्पष्टीकरण चाहेंगे आपसे, क्या कुछ पूरा मामला है? जी मंजिल, इसमें जो है खास तौर पे जो है लड़की का जो माता पिता है वो दोषी है, जो कि चंद पैसों की लालच में आकर के जो है ये एक तरह से बच्ची को बेचने का काम किया, एक तरह से माना जाए, और बच्ची के माता पिता का ही इसमें हाथ है मुख्य रूप से। और इसमें जो है एक दो और आरोपी हैं जो लड़के के तरफ से हैं, फिलहाल 5 के खिलाफ, लड़की के चाचा के तरफ से 5 के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है, जिसमें कि जो है लड़की के माता पिता का गिरफ्तारी हुआ है। जी, अभी तक लड़के पक्ष की ओर से किसी की गिरफ्तारी हो पाई है क्या पुलिस के द्वारा? फिलहाल इस मामले में जो है लड़का पक्ष का जो भी था वो जानने के बाद जो है फिरार हो गया है, अभी कानून से बाहर है। लेकिन जो है यही माना जाए कि जो है बाल विवाह कानून जो है इस नियमों का धज्जी उड़ाते, प्रशासन को इसमें, पुलिस को चाहिए कि जो है इसमें जो भी दोषी हो उसे कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। एक जानकारी आपसे ये चाहेंगे कि अब बच्ची का आगे क्या होगा, क्योंकि बच्ची को उनके परिजनों के चंगुल से मुक्त करा लिया गया है, तो अब आगे की क्या कार्रवाई क्या है, बच्ची को कहाँ भेजा जा रहा है? फिलहाल जो है बच्ची को जो है पुलिस अपने कब्जे में लिया है और परिजन उसके बच्ची का माता पिता तो पुलिस के ही पास मौजूद है, लेकिन बस जांच के बाद ही पता चलेगा और उनके परिजनों को ही सौंपा जाएगा एक तरह से। लेकिन फिलहाल लड़के तरफ से किसी गिरफ्तारी अभी नहीं है, वो फिलहाल चल रहा है। जी, इस मामले में जो शादी करवाई गई है बाल विवाह, इसमें जो सम्मिलित होंगे वो भी आरोपी हैं, अगर वहां पर वो मौजूद थे, उनके सामने अगर ये अपराध हुआ है, तो क्या कुछ और लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है इस मामले में? देखिए, इस मामले में जो है लड़की का जो चाचा है वो 5 के नामजद खिलाफ मामला दर्ज किया है, लेकिन अज्ञात, इसमें अब पुलिस से ही पता चलेगा कि अज्ञात जो है कितने खिलाफ इसमें मामला दर्ज है और कौन कौन इसमें तागीद है, कौन कौन इसमें शामिल है। जी, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आपका। तो आपको बता दें कि खगड़िया की घटना है एक लोमहर्षक घटना, जहां मात्र 7 साल की एक बच्ची की शादी उसके परिजनों ने ही
चंद पैसों की लालच में एक अधेड़ से करा दी। हालांकि पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए उस माँ बाप को गिरफ्तार कर लिया है जिसकी अब बच्ची है, साथ ही बच्ची को भी उनके कब्जे से मुक्त करा लिया है। आपको बता दें कि बड़ी खबर है खगड़िया में, और यह वहाँ के लोग भी दोषी हैं जो इस शादी में सम्मिलित थे, जो अपराध हो रहा था। हालांकि लड़के पक्ष की ओर से अभी फिलहाल किसी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, तमाम फरार बताए जा रहे हैं, और यह संभव हो पाया लड़के लड़की की चाचा ने तमाम लोगों पर आरोप प्राथमिकी दर्ज करवाई परिजनों और लड़के पक्ष पर।